बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि जल निगम द्वारा जो है स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहा था उसमें हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधीन शाहनजफ हजरतगंज में एक दीवार गिर गई है, जो के दीवार जो है वो गिर गई है कदम रसूल की। देखिए, हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है ये हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रस्ट है, शिया ट्रस्ट है, ये वक्फ है, और इसके अंदर बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि जो आपके आसार कदीमा के अंडर में आती हैं, और उसी में शाहनजफ भी आता है ASI, ठीक है। उसमें जल निगम वाले काम कर रहे हैं, तो ये जो इंजीनियर्स हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं कि वहां दीवार गिर गई। मैं तो समझता हूं कि फौरी तौर के ऊपर जल निगम के अधिकारियों के ऊपर FIR होना चाहिए, और FIR जो हुसैनाबाद ट्रस्ट भी कराए, प्लस चूंकि ये आसार कदीमा के अंडर में तो उसको भी FIR कराना चाहिए। चूंकि अभी ये आज जल निगम का वाकया है, उससे पहले चंद रोज पहले नगर निगम ने हुसैनाबाद की जमीन के लिए पार्किंग के लिए इलाट का अखबार में इश्तेहार निकाल दिया था और इलाट कर दी गई थी। तो हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है ये बहुत अहम ट्रस्ट है, और इसमें बराबर इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं जिससे ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि हुसैनाबाद ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं वो DM साहब हैं और सेक्रेटरी ADM साहब हैं, लिहाजा मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग फौरी तौर के ऊपर इकदाम करें और इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको फौरी तौर के ऊपर रोका जाए, और हिंदुस्तान में इम्पोर्टेंट ट्रस्ट है शिया वक्फ ट्रस्ट है हुसैनाबाद, इसकी तमाम इमारतों को महफूज किया जाए। और उसी के साथ एक बात और कहूं, चूंकि अभी कुछ दिन पहले रूमी गेट के पास एक पार्क है, गुलाब पार्क, उस पार्क के बाहर की जमीन पे नगर निगम जो है वो अपना हक जिता रही थी। दीवार के इधर LDA कहता है मेरा पार्क है, हालांकि वो पूरी जमीन जो है वो हुसैनाबाद ट्रस्ट की है। तो मैं ये भी सेक्रेटरी साहब से और हुसैनाबाद ट्रस्ट के सेक्रेटरी और चेयरमैन से डिमांड करता हूं कि जो गुलाब पार्क है रूमी गेट के पास, वो गुलाब पार्क चूंकि हुसैनाबाद की आराजी के ऊपर है, हुसैनाबाद की जमीन पे, लिहाजा वहां पर हुसैनाबाद का बोर्ड लगना चाहिए, और जहां जहां भी हुसैनाबाद की प्रॉपर्टीज हैं वहां पर बोर्ड लगना चाहिए। जैसे नींबू वाले पार्क में भी बोर्ड लगा है, वहां पर भी LDA अपना कब्जा कर रहा था, लिहाजा गुलाब पार्क में भी हुसैनाबाद का बोर्ड लगना चाहिए, और वो गुलाब पार्क हो या आसिफुद्दौला पार्क हो या जो भी पार्क हो उसको बनाया जाए और हुसैनाबाद का बोर्ड लगाया जाए, और इस तरीके से जो है उन तमाम हुसैनाबाद ट्रस्ट की तमाम जो संपत्तियां हैं उनको सुरक्षित किया जाए।